Hello friends, welcome to Engineers Excellence Classes. I am your teacher Mohit Pant. Last time हमने basic electrical में पढ़ लिया था कि हमने active elements के बारे में पढ़ा था, dependent और independent sources के बारे में पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत इनका समझा था ये क्या क्या होते हैं. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे independent sources के बारे में, ये क्या होते हैं, कितने type के होते हैं और इसको हम थोड़ा देखते हैं. आइए. अच्छा, अगर हम independent sources को देखें इसको हम दो पार्ट में देख ये एक्चुअली इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है वोल्टेज सोर्स और एक होता है करंट सोर्स. तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है वोल्टेज सोर्स और एक क्या होता है करंट सोर्स. करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, इन दोनों में अंतर क्या है, यह होते क्या, इनको हम समझेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कॉन्सेप्ट हमें समझना होता है क्योंकि आगे हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे वो अगर हम इनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो हम इनको समझ पाएंगे और उसके न्यूमेरिकल उसे ऐसे कर पाएंगे. ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम वोल्टेज सोर्स की. तो पहले हम देख लिया कि इंडिपेंडेंट सोर्स दो टाइप के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स. अब पहले हम देखते हैं वोल्टेज सोर्स क्या होता है. वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स समझते हैं. वोल्टेज सोर्स को समझने पहले हम लेंगे इसका आइडियल केस. आइडियल का मतलब होता है सही मायने में क्या होता है, एक आदर्शवादी जो बोलते हैं, सही मायने में एक वोल्टेज सोर्स क्या होता है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, उसको समझते हैं. तो आइडियल वोल्टेज सोर्स को समझने के लिए मैं इसका एक फिगर बनाता हूं. ये एक मैंने वोल्टेज सोर्स बनाया, इसमें क्या क्या चीजें होती है देखते हैं. अच्छा, इसकी पोलैरिटी होगी, ये होता हाई पोटेंशियल और ये होता है लो पोटेंशियल. जो पोलैरिटी मार्क करी है, करंट हमेशा प्लस से निकलती है और माइनस के अंदर एंटर करती है. ठीक है, ये हो गए टर्मिनल्स, सोर्स के टर्मिनल्स हो गए और ये हमारा एक तरह से वोल्टेज सोर्स हो गया. इस वोल्टेज सोर्स का अपना एक फोर्स होगा. कल हमने ये देखा था कि ईएमएफ पढ़ा था हमने वोल्टेज पढ़ी थी, तो वहां हमने ईएमएफ और वोल्टेज पढ़ी थी. तो हम देखते हैं कि इसका जो एक फोर्स पैदा करता है अपने अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं. उसका नाम मैंने क्या दे दिया, ई. और जो लोड के अक्रॉस जो वो देगा फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज. ठीक है, अच्छा, तो मैंने क्या करा, यहां पर टर्मिनल्स पे एक लोड लगा दिया, ये लोड है आर एल. ठीक है, तो यहां पे जो उसने फोर्स पैदा किया वो तो ई हो गया और जो उसने फोर्स लोड को दिया वो मेरा क्या हो गया, वी. ठीक है, इसको थोड़ा और देखते हैं. इसने जो फोर्स पैदा किया, इनबिल्ड किया पैदा, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ. उसको मैंने डिनोट किया है कैपिटल ई से. और जो उसने फोर्स लोड के क्रॉस दिया वो हो गया हमारा वी, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज. तो ये ईएमएफ हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज. ठीक है, लोड के ऊपर मैं एक एरो लगा देता हूं. ये एरो का मतलब होता है वेरिएबल लोड. इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल लोड. वेरिएबल जो बार बार क्या होता है, चेंज हो सकता है. और लोड बेसिकली हमें पता है लोड बार बार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया और ये हमारा सर्किट हो गया. ठीक है, अच्छा, अब इसके क्रॉस करंट जो होगी, इस लोड के क्रॉस जो करंट होगी, हम इलेक्ट्रिकल में दो चीज बहुत देखते हैं वोल्टेज और एक देखते हैं करंट कितनी मिली. वोल्टेज और करंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. अच्छा, अगर हम देखें टर्मिनल पे आपको वोल्टेज क्या मिल रही है, वी. और वी क्या होगा, यहां पे जितना ये ई आपका बना रहा है, ये पूरा वी कहां दे देता है, यहां दे देता है टर्मिनल्स पे. ये पूरा जो यहां पे ई होगा, ये पूरा कहां मिल जाएगा आपको, यहां मिल जाएगा. तो मतलब क्या, वी जो है वो E के बराबर है. V जो है वो E के बराबर है. ठीक है, और V जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है. क्या रहेगा, कांस्टेंट है. ठीक है, क्योंकि किसी भी वोल्टेज सोर्स में जो EMF इनबिल्ड होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. तो E कांस्टेंट है और E जो है V के बराबर है, तो V भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा. मैं इसको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा आगे, पहले हम थोड़े में समझ लेते हैं. तो V E के बराबर है और E कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, V भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया.
v इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, v हमारा कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा बात करते हैं करंट की, हमने पढ़ा है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कितना था, करंट में कितना था, v इज इक्वल टू v, i इज इक्वल टू v अपॉन r, ठीक है। तो यहां पे i कितना होगा, v अपॉन rl, v अपॉन rl, अच्छा, और v, v बराबर किसके है, e के, तो कितना होगा, e अपॉन r, ठीक है। तो दो टर्म दिख रहे थे हमें, हमें देखना था कि लोड के क्रॉस वोल्टेज कितनी है, करंट कितनी है, तो वोल्टेज तो e के बराबर है और v, v हमारा कांस्टेंट है, e कांस्टेंट तो v भी कांस्टेंट है, और करंट जो है वो है v अपॉन rl, विच मींस e अपॉन rl। अच्छा अब यहां पे बात देखिए, ये देखते हैं कि जो rl है, लोड है, लोड है, लोड वेरिएबल है, लोड मतलब बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लोड बार बार चेंज हो रहा है, मतलब ये RL की वैल्यू बार बार क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अगर RL की वैल्यू बार बार चेंज होगी तो हमारी करंट की भी वैल्यू बार बार क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इट मींस अगर लोड चेंज होगा, अगर लोड क्या होगा, चेंज होगा, तो करंट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बट वोल्टेज क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो एक वोल्टेज सोर्स, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है, ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जो कि लोड को कांस्टेंट वोल्टेज देगा, कांस्टेंट फोर्स देगा, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देगा, लेकिन करंट जो होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, करंट जो होगी लोड पे डिपेंड होगी, और करंट जो है लोड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आप एक आइडियल वोल्टेज सोर्स को एक ऐसा सोर्स बोलोगे जो कि कांस्टेंट वोल्टेज देगा, बट करंट कांस्टेंट नहीं होगी, करंट जो होगी लोड पे डिपेंड होगी, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं तो अभी इसको थ्योरी फॉर्म में समझाया, अब मैं इसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में समझाता हूं, ठीक है। अच्छा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं हम यहां पर, ठीक है, यह है 5 वोल्ट का, और यहां पर रेजिस्टेंस लगाया मैंने 2 ओम का, ठीक है, बहुत सिंपल आसान है, ये 5 वोल्ट का है, ये 2 ओम का लगा दिया, ठीक है। अच्छा अब यहां पे आप देखोगे, अगर आपसे पूछूं मैं यहां पे वोल्टेज कितनी है और यहां पे करंट कितनी, तो आप बोलोगे वोल्टेज कितनी आ रही है, यहां पे 5 वोल्ट आ रही है, अगर आप करंट बोलोगे तो करंट कितनी है, 5/2 कितनी हो गई, 2.5, दैट इज 2.5 एम्पीयर, ठीक है। यहां पे 2 ओम का रजिस्टर था, लोड था, ये 5 वोल्ट थी, तो वोल्टेज कितनी हो गई, 5 वोल्ट, बट करंट कितनी है, 2.5 एम्पीयर, टर्मिनल पे आपको वोल्टेज कितनी मिल रही है, 5 वोल्ट, और करंट कितनी मिल रही है, 2.5 एम्पीयर। अच्छा अब एक काम करता हूं, जो लोड था पहले 2 ओम था, अब इस लोड को मैं कर देता हूं लेट सपोज 4 ओम, लोड कितना कर दिया मैंने, अब 4 ओम कर दिया, तो होगा क्या, अब यहां पर जो आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी वो अगेन कितनी है, 5 ही वोल्ट, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया ना, कोई चेंज नहीं आया, बट करंट कितनी जाएगी, V अपॉन I, 5/4 कितना क्या, 1.25 एम्पीयर। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया, देखो कि लोड चेंज हुआ, देखो सोर्स सेम है, हमारा जो सोर्स है वो दोनों केस में क्या है, सेम है, बट दोनों केस में लोड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब लोड चेंज हो रहा है, लोड के चेंज होने की वजह से वोल्टेज में कोई चेंज आपका नहीं आ रहा है, बट करंट में क्या हो जा रहा है, करंट हमारी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। इसका मतलब एक आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स एक ऐसा वोल्टेज सोर्स होता है जो कि टर्मिनल पे वोल्टेज क्या देगा, कांस्टेंट देगा, बट जो करंट है वो क्या हो जाएगी, लोड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, चेंज। और वही बात मैंने यहां पे आपको समझाई थी कि वोल्टेज ई के बराबर है, ईएमएफ के बराबर है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, और जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं है, करंट वेरिएबल है, करंट क्या वेरिएबल क्यों है कि अगर लोड चेंज होगा, क्योंकि लोड बार बार चेंज होता है, तो करंट बार बार जो हमारी क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इट इज एन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो ये आइडियल था, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल फॉर्म, क्योंकि आइडियल तो ये होता है, लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म में ये थोड़ा अलग होता है, थोड़ा चेंज, क्योंकि हम देखते हैं आइडियल सिर्फ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरी होती है आइडियल फॉर्म, प्रैक्टिकल हमें जो इंस्ट्रूमेंट, हम मतलब जो भी चीज हमारे सोर्स बनते हैं, दे आर प्रैक्टिकल फॉर्म। हम आइडियल फॉर्म क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई चीज प्रैक्टिकली फॉर्म करनी है तो पहले हमें उसका आइडियल फॉर्म पढ़ना पड़ेगा, फिर आइडियल फॉर्म पढ़ के हमें उसको प्रैक्टिकल बनाना होता है, ठीक है। तो ये तो एक आइडियल फॉर्म था, ऐसा बन नहीं सकता, लेकिन हम पढ़ते हैं कि आइडियल फॉर्म क्या था। अब हम पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, सही मायने में, सही मायने में जो वोल्टेज सोर्स होता है वो क्या होता है, उसको देखते हैं यहां पर।
अच्छा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। अगेन वही डायग्राम है, ई टर्मिनल्स, यहां पे लोड लगा दिया मैंने आरएल, ठीक है, ये ईएमएफ ई हो गया, और ये जो बनाया है ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम आरएन। ये क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सब चीज सेम वही है, ई वही है, आरएल वही है, ठीक है। यहां पे वोल्टेज हमें निकालनी है वी, और यहां पे हम करंट देखनी है आई, ठीक है। यहां पे एक एडिशनल टर्म आया है, इसको बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होता है, वोल्टेज सोर्स का होता है। जैसे हम सेल बना रहे हैं या बैटरी बना रहे हैं तो उसके अंदर उसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उन सब का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वो रेजिस्टेंस हमें दिखा दिया आरएन से, ठीक है। अब होगा क्या प्रैक्टिकल में, क्या होता है कि यह इसने अगर बात करें, इसने जो अपने अंदर इनबिल्ड किया फोर्स जो पैदा किया वो तो ई है, जो पैदा किया इसने अपने अंदर इनबिल्ड फोर्स वो कितना है ई, और ई तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज ही नहीं होता है। ईएमएफ जो की है, जो उसने अपने अंदर इनबिल्ड किया है वो ई है, और ई क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। बट अब जो ये लोड को देगा जो कि वी होगा, जो कि क्या होगा, वी होगा, वो ई के बराबर नहीं होता है, वो ई के बराबर नहीं होगा। इससे पहले वाले केस में जब आइडियल में था उसने जितना फोर्स बनाया सारा दे दिया, कायदे से होना यही चाहिए कि जितना बनाए सारा दे दे, ऐसा आइडियल में होता है। बट प्रैक्टिकल में क्या होता है, जितना ये फोर्स बनाएगा ये सारा नहीं देता है। मतलब क्या, जो आपको यहां फोर्स मिलेगा वो ई से क्या रहता है, कम रहता है। कहना मतलब क्या, अगर यहां पे इसने पांच बनाया तो यहां देगा चार या साढ़े चार, लेकिन कम ही देगा, ज्यादा नहीं दे सकता, मतलब बराबर नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे V इज लेस देन E, ठीक है। तो ये क्यों हो गया ऐसा कि V इज लेस देन क्यों हुआ, तो आप बोलोगे जो V था वो होता है E माइनस इंटरनल ड्रॉप। कुछ क्या हो जाता है, जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है इसके इंटरनल में हो जाता है ड्रॉप, कुछ फोर्स जो इसके अंदर ही क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना। जब एक फोर्स लगाता है तो कुछ फोर्स इसके अंदर क्या हो जाता है, अपने अंदर ही घट जाता है, ठीक है, ये पूरा फोर्स नहीं दे पाता है। तो इसके वजह से हमें जो आपको वोल्टेज मिलेगी वो हमारी ईएमएफ से थोड़ी क्या होती है, कम होती है। इस योर यही प्रैक्टिकल फॉर्म, प्रैक्टिकली क्या होता है, वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, कभी ये इसके बराबर नहीं हो सकता। अब ऐसा हो सकता है, कब होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल फॉर्म में तो अगर आपका लोड लगा हुआ है, हाँ वी और ई बराबर प्रैक्टिकल में तब हो सकते हैं जब कोई लोड आप ना लगाओ, बट हमें लोड तो लगाना होता ही हो ना। अगर हम लोड लगाएंगे यहां पे तो वी जो है हमेशा ई से स्मॉल छोटा आता ही आता है, ठीक है। तो ये इंटरनल ड्रॉप कहां हो रहा है, ये इंटरनल ड्रॉप होता है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में, जो कि हम यहां बोलते हैं। तो यहां पे होता है हमारा इंटरनल ड्रॉप। अभी इंटरनल ड्रॉप क्या होगा, देखो जो एक करंट आ रही है यहां से होते आ रही है, तो जो इंटरनल ड्रॉप होता है यहां पे उसे लिखते हैं V इज इक्वल टू ई इंटू आर एन, ई इंटू आर एन लिखते हैं। तो कहना मतलब क्या है, यहां पे जो आपकी वोल्टेज आपको मिल रही है इट इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर एन। आइडियल में ये क्या थी, V इज इक्वल टू ई था, इतना था, बट प्रैक्टिकल में क्या है, V क्या है इक्वल टू E माइनस, ये इंटरनल ड्रॉप आ रहा है। तो ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में एक इंटरनल ड्रॉप आ जाता है, उसकी वजह से आपको टर्मिनल में मिलने वाली वोल्टेज या फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस वो इनबिल्ट से थोड़ा क्या हो जाता है, कम आ जाता है। ये डिफरेंस आता है हमारा आइडियल में, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इसको समझने के लिए मतलब आप ये बोल सकते हो, यहां पे क्या बोल सकते हो आप, देखो अगर हम इसको एक कंक्लूजन फॉर्म में देखें कि जो वोल्टेज है आपकी वो कांस्टेंट नहीं हो रही है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में आपको जो वोल्टेज मिलेगी यहां पे वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट नहीं है, थोड़ी जो ई है उससे कम कम रहेगी,
एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो कि अगर ये 5 रहा होगा तो ये आपकी मिलेगी 4.6 या 4.5 या 4.4 वोल्ट रहेगी, इसके बराबर नहीं होगी। तो मतलब क्या, इसमें थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, और वो वोल्टेज ड्रॉप दिखाने के लिए, मतलब वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, I into N होता है। अच्छा, यहां पे एक बात ध्यान देने की और है कि जो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप है, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कितना है, I into RN। मतलब क्या, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप जो है वो डिपेंड कर रहा है करंट पे, ठीक है, और करंट किस पे डिपेंड करती है, लोड पे। इसका मतलब क्या, हम ये बोल सकते हैं अगर आपका लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो क्या होता है, करंट बढ़ जाती है। हम देखते हैं अगर हमारे घर में लोड बढ़ता है तो करंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। करंट बढ़ेगी तो इंटरनल ड्रॉप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इंटरनल ड्रॉप बढ़ जाएगा तो आपकी जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है, जब आपका हैवी लोड होता है तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या हो जाता है, कम, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाता है, और हमारी वोल्टेज जो हमें टर्मिनल घरों में मिलती, जो भी मिलती है वो कम हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा, मतलब जो डोमेस्टिक सप्लाई, हमें जो घरों में डोमेस्टिक सप्लाई मिलती है वो हम कितने बोलते हैं, वो होती है 230 वोल्ट एसी, है ना, 230 बोलते हैं, ठीक है। इतनी उन्होंने डिफाइन की है कि इतनी आपके, मतलब एक एसी जो डिफाइंड है वो इतनी डिफाइंड है, ठीक है। तो अगर हम अप जो तो वोल्टेज फिक्स आती है हमारे घर में, और वो वोल्टेज कितनी होती है, 230 वोल्ट, ठीक है। करंट चेंज होती रहती है, करंट डिपेंड करेगी हमने घर में कितना लोड लगा रखा है। अब हमने दो पंखे लगा रखे हैं या एक पंखा लगा रखा है या फ्रिज लगा रखा है, अकॉर्डिंग टू योर लोड करंट विल चेंज, बट मीन वाइल वोल्टेज विल रिमेन सेम, ठीक है, वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहती है। ऐसा अगर हम आइडियल फॉर्म में बोलें, बट प्रैक्टिकली होता क्या है कि जब आपका लोड ज्यादा होता है तो आपकी वोल्टेज कम हो जाती है। आप जैसे ये देखते होगे कि शाम के टाइम क्या होता है, शाम के टाइम जब ये देखते होगे, जब ये जो ये जब गर्मियों का टाइम होता है तो बहुत सारे जब लोड एक साथ ओपन हो जाते हैं, जब सारे फैन ओपन होते हैं या टीवी खुल जाता है, मोटर खुल जाती है, तो आप देखोगे शाम के टाइम वोल्टेज थोड़ी क्या हो जाती है, डिम हो जाती है। वो वोल्टेज डिम होने का रीजन क्या है कि लोड ज्यादा हो जाता है, करंट हाई हो जाती है, ड्रॉप बढ़ जाता है, तो आपको वोल्टेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए हमें दोनों पढ़ना होता है कि आइडियल क्या होता है, आइडियल समझने के लिए कि क्या होता है, क्या होना चाहिए। आइडियली बोलता है वोल्टेज शुड बी कॉन्स्टेंट, करंट शुड बी करंट चेंज, मतलब आइडियल मतलब है वोल्टेज क्या रहनी चाहिए, कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, वो हमने पढ़ लिया था। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, वो कॉन्स्टेंट नहीं रह पाती है, और इसके नहीं रह पाने का जो रीजन है वो है इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, और वो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप क्यों आता है, बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है जितना कम रहेगा हमारा वोल्टेज ड्रॉप उतना क्या रहेगा, कम रहेगा, और हमें उतनी सही वोल्टेज मिलेगी। हम चाहते हैं कि हमें वोल्टेज अच्छी मिले, जितनी बताई गई है जैसे 5 वोल्ट बताई गई है, तो आप चाहोगे कि 5 वोल्ट ही मिले, आप 4.5 नहीं चाहोगे कि मिले आपको। तो अगर आपको वोल्टेज अच्छी खासी चाहिए, जितनी डिस्क्राइब करी गई है उतनी मिले, तो हमारा क्या होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ये कम से कम होना चाहिए। जितना कम होगा ड्रॉप उतना कम होगा, और हमें वोल्टेज उतनी अच्छी खासी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज सोर्स की VI कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सोर्स की, किसी भी सोर्स की हम बात करें तो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें यह पता लगाना होता है कि करंट के बढ़ने से, क्योंकि देखो लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, तो जब लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, करंट के बढ़ने से वोल्टेज में क्या चेंज आएगा, वो चेंज देखने के लिए हमें VI कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी होती है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वोल्टेज सोर्स, इसमें दोनों आ जाएंगे, आइडियल भी और प्रैक्टिकल भी, ठीक है। पहले देखते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसा होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का VI ग्राफ। क्योंकि वोल्टेज सोर्स का मतलब है वोल्टेज शुड बी कांस्टेंट, हमें करंट से मतलब नहीं, क्योंकि करंट तो चेंज होनी होनी है, बट वोल्टेज को क्या रहना है, कांस्टेंट। तो इसलिए जो ग्राफ बनेगा वैसा बनेगा,
वी ऊपर आएगा और आई कहां पर आएगा, नीचे, क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि करंट के बढ़ने से, एक्चुअली लोड के बढ़ने से, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी, ठीक है? तो लोड के बढ़ने से, करंट के बढ़ने से वोल्टेज में क्या चेंज आएगा, इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, इसको हम रिलेशन देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे आइडियल का। अच्छा, आइडियल में हमने क्या पढ़ा है कि वोल्टेज वी इज इक्वल टू कितना होता है, ई, और ये क्या रहता है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट रहता है। मतलब क्या, आप लोड कुछ भी लगाओ, कितना भी लोड बढ़ा दोगे, वोल्टेज क्या रहती है, कॉन्स्टेंट, आइडियल में ऐसा होता है। तो अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं तो V इज इक्वल टू E, कॉन्स्टेंट है, एक कॉन्स्टेंट लाइन। तो अगर हम, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, जैसे आप, मैं ये लिखता हूं Y और ये लिखता हूं X, तो Y इक्वल टू 2 जो कि कॉन्स्टेंट है, इसकी लाइन क्या होती है, तो एक और दो, दो पे क्या जाती है, पैरेलल लाइन। उसी तरह V इज इक्वल टू E है और ये कॉन्स्टेंट है, तो मान लो E यहां पर आ रहा है, E यहां पर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट लाइन आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स की जो वी आई करेक्टरिस्टिक कैसी है, एक लाइन है, एक पैरेलल लाइन है जो नीचे वाले एक्सिस के, आई एक्सिस की क्या है, उसमें पैरेलल है। तो ये हो गया वी आई करेक्टरिस्टिक, वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब क्या है, करंट कुछ भी हो, लोड कुछ भी हो, वोल्टेज क्या रहेगी, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी और बराबर किसके होगी, ई के। ग्राफ है आइडियल वोल्टेज सोर्स का, ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब देखते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इसका ग्राफ कैसे हुआ देखते हैं, इसको बनाते हैं यहां पे, ये V हो गया, ये I हो गया, ये V हो गया और ये क्या हो गया, हमारा I हो गया, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है, जो सी इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई इन टू आर, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है V इज इक्वल टू ई माइनस आई इन टू आर एन होती है। इसमें क्या होगा, देखो देखो, नीचे वाला ग्राफ है, यहाँ पे I बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे I कितना है, जीरो है ना। अच्छा, इस पॉइंट में I जीरो है, तो अगर मैं I जीरो पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, E। मतलब जब I इक्वल टू जीरो है तो V बराबर किसके है, E के। अच्छा, I जीरो है का मतलब क्या हो गया, I जीरो, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, कोई करंट, करंट कब फ्लो नहीं होगी, जब कोई लोड आपका नहीं लगा होगा, मतलब ओपन सर्किट, जो टर्मिनल्स होंगे वो क्या होंगे, ओपन होंगे। अगर टर्मिनल्स ओपन सर्किट होंगे तो करंट कितनी होगी हमारी, जीरो। तो करंट जीरो है, मतलब टर्मिनल्स क्या है हमारे, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट होंगे तो उस केस में इंटरनल ड्रॉप कितना हो जाएगा, जीरो। तो इंटरनल ड्रॉप विल बी क्या, जीरो, और उस दौरान जो वी होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, ई। तो मैंने आपसे पहले एक बार कहा था कि वोल्टेज जो है वो ई के बराबर हो सकती है, बट कब होगी, सिर्फ जब आपका कोई भी लोड नहीं लगा होगा, अनलोडेड कंडीशन में। तब कोई लोड नहीं लगाओगे तो आपको जो वोल्टेज मिलेगी वो ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा, क्योंकि ड्रॉप ही नहीं हो रहा है भाई। और ड्रॉप किस पे डिपेंड करता है, करंट पे, और करंट किस पे डिपेंड करती है, लोड पे। लोड नहीं है तो करंट नहीं है, करंट नहीं है तो ड्रॉप नहीं है, ड्रॉप नहीं है तो बराबर हो जाएगी। अब क्या होगा, धीरे धीरे करंट बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, लोड आपका बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा होगा तो करंट बढ़ेगी। अब आपका लोड आ गया, लोड पहले नहीं था, अब आ गया, लोड आ गया, तो करंट जीरो नहीं होगी, करंट जीरो नहीं होगी तो इंटरनल ड्रॉप जो है वो जीरो नहीं होगा, और इंटरनल ड्रॉप जीरो नहीं होगा तो वोल्टेज की वैल्यू जो है वो ई से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वोल्टेज की वैल्यू ई से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जो करंट बढ़ेगी, जो जो करंट बढ़ेगी, ये वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि ये चीज तो कॉन्स्टेंट है और ये चीज बढ़ रही है, ये चीज माइनस है, तो ये इस टर्म को क्या करेगी, घटाएगी, ये टर्म क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो उसका ग्राफ आएगा एक लीनियर लाइन की तरह आएगा, और वो ग्राफ नीचे हो जाएगा ऐसे। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इसका ग्राफ ऐसे था,
बट इसका ग्राफ नीचे को आ रहा है। जिसका ये ग्राफ नीचे को आ रहा है इसका रीजन क्या है? इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। और आप देख रहे हो कि जो जो ज्यादा जितनी ज्यादा करंट बढ़ेगी ये ड्रॉप उतना ज्यादा हो रहा है और वोल्टेज क्या हो रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, लोड के बढ़ने से, करंट के बढ़ने से हमारा जो वोल्टेज है वो बार बार क्या हो रही है? घट रही है, और इंटरनल ड्रॉप हमारा वहां पे क्या हो रहा है? आ रहा है, इंटरनल ड्रॉप आ रहा है और ये घटती जा रही है। ये सही चीज नहीं होती है। ये सही इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर आपका लोड ज्यादा हो गया, आपकी वोल्टेज बहुत कम हो गई, तो वोल्टेज डिम होने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं लोड्स में। आप देखते हो कि जब घरों में वोल्टेज डिम आती है तो चीजें खराब हो जाती हैं, फ्रिज खराब हो जाता है, पंखा हीट से खराब हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो वोल्टेज का घटना सही नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि कितना घट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक आइडियल का वीआई ग्राफ हो गया और एक हमारा प्रैक्टिकल वीआई ग्राफ हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम इसके स्लोप निकाल लेते हैं लाइन के, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो हम थोड़े इसके स्लोप देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो प्रैक्टिकल में क्या था? V इक्वल टू E, और आइडियल में क्या था? V इक्वल टू E माइनस इनटू R। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम थोड़ा मैं समझते हैं कि एक Y इक्वल टू MX, जिसे हम लिखते हैं Y एक्सिस और ये X एक्सिस होता है लाइन में, लाइन की क्वेश्चन होती है Y इक्वल टू MX प्लस C। Y इक्वल टू कितना होता है? MX प्लस C। M क्या होता है? स्लोप। C क्या होता है? सॉरी, X क्या होता है? नीचे वाला X कोऑर्डिनेट। Y क्या हो गया? यले कोऑर्डिनेट। और M होता है स्लोप। और C क्या होता है? कांस्टेंट। C एक कांस्टेंट होता है। जब C कांस्टेंट है, मतलब Y एक्सिस में, इस एक्सिस में Y की वैल्यू क्या है उसको हम क्या बोलते हैं? C बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर अगर हम इस चीज को, इस लाइन को इससे कंपेयर करें, तो हम देखेंगे कि यहां पे जो कि y है वो यहां पे क्या है? v है। और जो यहां पे i है वो यहां पे क्या है? x है, है ना। तो y x है और ये हमारा है। तो इस इक्वेशन को मैं चाहूं तो ऐसे बना के लिख सकता हूं, v इक्वल टू m i प्लस c। कोई दिक्कत नहीं है, सही है, है ना, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पे y है, v है, यहाँ पे i है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, मतलब एक लाइन की इक्वेशन बन गई वोल्टेज सोर्स के लिए। ठीक है, v इज इक्वल टू एम आई प्लस सी। अच्छा, अब इस लाइन को इससे कंपेयर करते हैं। v है, e कांस्टेंट है, तो c तो कांस्टेंट e हो गया। i का टर्म नहीं है यहां पे, तो i का टर्म नहीं है, मतलब इसका m कितना रहा होगा? जीरो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या, जहां पे एम है वो कितना है मेरा? जीरो है, स्लोप जीरो है। तो इस लाइन का स्लोप कितना है हमारा? जीरो है। अच्छा, अब यहां बात करते हैं, यहां देखते हैं, इसको कंपेयर करो, उससे कंपेयर करो, उसको मैं लिखता हूं, उसको देखो, ऐसे लिखता हूं मैं, वी इक्वल टू, इसको आगे ले आओ, माइनस आर इन आई प्लस ई। प्रैक्टिकल करते हैं, तो वी वी हो गया, आई आई हो गया, ई हो गया, एम। तो यहां पे स्लोप कितना है? यहां पे स्लोप है माइनस ऑफ आर एन, माइनस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये माइनस साइन का डिनोट करता है, आपको पता होगा मैथ्स में, जब लाइन जब नीचे को इंक्लाइन होती है, नीचे को डिक्लाइन होती है, तो उसका स्लोप क्या होता है? माइनस। अगर वो ऊपर को मूव करती है तो स्लोप क्या होता है? प्लस। यहां देख रहे हो चीजें, वोल्टेज घट रही है, तो जो उसका स्लोप है वो कितना है? माइनस ऑफ आर एन, माइनस ऑफ आर एन। ठीक है, और वही यहां पे इसका स्लोप कितना है? जीरो। और स्लोप जीरो भी इसलिए है क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल आर कितना होता है? जीरो होता है ना, तो इसकी वजह से इसका स्लोप भी कितना है? जीरो है। वैसे कोई ड्रॉप नहीं आता, बट प्रैक्टिकल वाले का जो इंटरनल आर क्या होता है, ये जीरो नहीं होता है। और ये क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से हमारा एक स्लोप उसमें डिक्रीमेंट आता है। और यह तो हम इस जब लाइन को देखते हैं तो हम इसको इसके स्लोप को लिखेंगे माइनस ऑफ आर एन, माइनस ऑफ आर एन, उसको हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा
अब एक चीज और है, स्लोप इक्वल टू कितना है, माइनस ऑफ आर एन, ठीक है। मतलब क्या, आर एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आर एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ये स्लोप उतना नीचे को तेज और जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आर एन की वैल्यू 2 है तो स्लोप कितना होगा, माइनस 2। अगर आर एन की वैल्यू 4 है तो स्लोप कितना होगा, माइनस 4। तो मतलब उतना तेजी से ये कहां जाएगा, नीचे को जाएगा। इसका मतलब क्या है, आर एन की वैल्यू जितना ज्यादा होगी ये ड्रॉप उतना ज्यादा होगा, ये लाइन उतनी तेजी से नीचे को क्या करेगी, मूव करेगी, उतना ज्यादा हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हमें यह ध्यान देना होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, जब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बनाया जाता है तो यह ध्यान में रखा जाता है कि जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो यह कम से कम होना चाहिए। आइडल भी यही बोलता है, आइडल का कितना है, 0 है, आइडल का है ही नहीं, इसलिए आइडल में कोई ड्रॉप नहीं है। बट प्रैक्टिकल का जब हम बनाएंगे, हम ये सोच ही बनाते हैं कि जो उसका इंटरनल आर है इट शुड बी कैप्ट मिनिमम, ये कम से कम होना चाहिए ताकि जो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो वो कम से कम हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये ग्राफ इसलिए ये बताया, एग्जाम में एक तो एक ग्राफ पूछ देता है कि एक वोल्टेज सोर्स की क्रिसिस क्या होती है, वोल्टेज सोर्स की मतलब क्रिसिस क्या होती है, तो आप ऑप्शन से मार कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उसमें इनका स्लोप गिवन होता है, तो हमें स्लोप जो गिवन होता है उस स्लोप से आइडेंटिफाई करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, सबको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वोल्टेज सोर्स के बारे में, इसकी हमने व्याकृति पढ़ ली है, इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे। अब हम पढ़ते हैं पहले थोड़ा करंट सोर्स, ठीक है। अब देखते हैं करंट सोर्स, हमने वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे करंट सोर्स आइडियल फॉर्म में, देखो वही चीज है, थोड़ा समझ लेते हैं। वोल्टेज सोर्स क्या था कि टर्मिनल पे मिलने वाली वोल्टेज क्या थी, कांस्टेंट थी आइडियल केस में, और करंट जो थी वो लोड पे डिपेंड हो रही थी और वो चेंज हो रही थी। यहां उल्टा है, यहां करंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लोड पे मिलने वाली करंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, करंट कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज जो है वो लोड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो उसको थोड़ा समझते हैं ढंग से एक बार। तो पहले हम पढ़ते हैं आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, ठीक है। इसको डायग्राम बना रहा हूं मैं, यहां पे देखते हैं। करंट सोर्स का डायग्राम ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, और ये इसके टर्मिनल्स हो गए, और यहां हमने लगा दिया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, नहीं सॉरी, ये इसका हो गया लोड रेजिस्टेंस, ये लोड हो गया है, लोड हो गया, और ये सोर्स हो गया, इसके अंदर इसने अपने अंदर करंट बिल्डअप करी आई एस, ठीक है, और यहां करंट मिल रही है आई एल। अच्छा, जैसे ही हमने वोल्टेज सोर्स में ये देखा था कि उसने अपने अंदर फोर्स जो पैदा किया वो ई था, और जो डिलीवर करा वो वी था, ठीक है ना। बिल्डअप किया ई था, डिलीवर किया वी था। उसी तरह करंट सोर्स में क्या होता है, जो वो बिल्डअप करता है अपने अंदर, मैक्सिमम करंट जो बिल्डअप करता है वो आई एस है, और डिलीवर कितना करता है वो आई एल है। वही चीज है, आप अगर आप शुरू करो कंपेयर करो, वहां उसने कितनी फोर्स बिल्डअप किया और कितना डिलीवर किया, सिमिलरली यहां इसने अपने कितना पैदा किया और कितना डिलीवर किया, तो ये अंतर है। सोर्स कितनी मैक्सिमम करंट उसने अपने अंदर पैदा करी और कितनी उसने उसको डिलीवर करी, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह हो गया। ये वैसे अगर हम देखा जाए कि हम ये बोलते हैं कि वोल्टेज सोर्स में पोटेंशियल एनर्जी होती है और करंट सोर्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं बिकॉज करंट सोर्स, करंट जो होती है फ्लो होती रहती है, तो काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वोल्टेज क्या है, स्टोर है, इट इज अ पोटेंशियल फॉर्म, तो वोल्टेज सोर्स के एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, और वही करंट सोर्स की एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये करंट सोर्स हो गया। अच्छा, यहां पे वोल्टेज कितनी होगी, ये वोल्टेज होगी VL यहां पे, ठीक है। अच्छा, अब यहां जो अब देखते हैं करंट कितनी है। देखो, जो करंट यहां से जाएगी वही करंट इसके अंदर ये जाएगी, IS यहां जाएगी, IS इसके अंदर जाएगी, तो जो लोड पे आपको करंट मिलेगी वो कितनी होगी, IS, और ये क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, आइडल करंट सोर्स में क्या होगा, ये जितनी करंट इनबिल्ट करेगा अपने अंदर सारी डिलीवर करेगा किसको, लोड को, कुछ रहेगा नहीं, जितना पैदा करेगा सारा यहां देगा। तो आई एल इक्वल टू कितना हो गया हमारा, आई एस हो गया। तो ये हो गया आई एल इक्वल टू
आगे समझिए, हमारा कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्टेज की, हम बात करते हैं VL की। VL कितना होता है? VL इक्वल टू कितना जाएगा, वोल्टेज कितनी होगी? VL हो गया ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, ठीक है। तो VL हो गया IL इंटू RL। IL इक्वल टू कितना है? IS, जो कि क्या है, कॉन्स्टेंट है, पर RL हो गया, ठीक है। जो ये लोड होता है ये वेरिएबल होता है, मतलब इसकी वैल्यू बार बार क्या हो जाती है, चेंज होती रहेगी। तो देखो अगर RL की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो लोड वोल्टेज की वैल्यू बार बार क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, बट करंट क्या रहेगी, हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि एक आइडियल करंट सोर्स क्या है, टर्मिनल पे आपको जो ये वोल्ट करंट देगा, मतलब लोड पे जो करंट देगा वो कॉन्स्टेंट रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोड। लोड की वैल्यू कुछ भी हो, ये करंट क्या रहेगी, हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी। हाँ, वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्रैक्टिकल आइडियल करंट सोर्स। इसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, मैं मान लेते हैं ये 5 एम्पेयर है मेरे पास, ठीक है, और ये है 2 ओम, दिस इज 2 ओम। तो यहाँ करंट कितनी आएगी, देखो 5 एम्पेयर आ रही है, यहाँ करंट कितनी जाएगी, 5 एम्पेयर। करंट कितनी जाएगी इसके अंदर, 5 एम्पेयर। सिर्फ यहाँ हम यहाँ देखते हैं जो टर्मिनल पे, कितने टर्मिनल के अंदर, टर्मिनल पे जो लोड लगा है उसमें क्या हो रहा है। तो करंट कितनी आ रही इसके अंदर, 5 एम्पेयर। वोल्टेज कितनी है, 5 × 2 कितनी हो गई, 10 वोल्ट। तो करंट है 5 एम्पीयर, वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट। अब मैंने करंट सोर्स वही रखा है और वोल्टेज कर दी है और रेजिस्टेंस कर दिया है मैंने 4 ओम। तो अब देखोगे 5 एम्पीयर, तो करंट तो वही 5 एम्पीयर ही है। वोल्टेज कितनी जाएगी, 5 × 4 कितना हो गया, 20 वोल्ट। तो यहां पे देखते हैं कि देखो सोर्स वही था, लोड चेंज हुआ, लोड 2 ओम से 4 ओम चेंज हुआ, तो करंट तो सेम रही बट वोल्टेज क्या हो गई, चेंज हो गई। यही है आइडियल करंट सोर्स। वहां क्या था, वोल्टेज सेम थी, करंट चेंज हो रही थी। यहां क्या है, करंट सेम होगी और वोल्टेज चेंज होगी। ये आइडियल है, ये दोनों वहां भी आइडियल में वो रहा था, यहां पे आइडियल में ये है। तो ये हो गया हमारे पास हमारा आइडियल करंट सोर्स। बट आपको मैंने क्या बताया कि प्रैक्टिकल फॉर्म पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल में क्या होता है, जितना बनाएगा उतना नहीं देगा वो, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है कि वो जितना फॉर्म करेगी सारा डिलीवर कर देगी। कुछ ना कुछ तो उसके अंदर डेसिपेट हो जाता है, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, रह जाता है, ठीक है। उस लॉस को हम ड्रॉप बोलते हैं। तो जैसे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में वहां इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप हुआ था, उसी तरह प्रैक्टिकल करंट सोर्स में करंट ड्रॉप होता है, इसका इंटरनल करंट ड्रॉप हो जाता है। उसको समझने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको रख करते हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अच्छा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स को समझते हैं, देखते हैं, डायग्राम बनाता हूं मैं। आईएस हो गया, टर्मिनल्स हो गए, टर्मिनल्स पे क्या लगता है हमारा लोड, ठीक है। यहां करंट होगी IL, वोल्टेज कितनी होगी, ठीक है। और इसका एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, उसको हम दिखाते हैं RN से, वो क्या हो गया, RN होता है। आइडियल में ये RN नहीं था, ये ओपन था, बट यहां पे ये RN होता है, ठीक है। अब मैंने इसको पैरेलल में ही क्यों दिखाया, वो इसलिए दिखाया क्योंकि देखो यहां से IS आएगी, कुछ IS इंटरनल में खर्च हो जाएगी और बची हुई फिर यहां जाएगी। तो करंट ड्रॉप को दिखाने के लिए मुझे इंटरनल को कहां लगाना पड़ा, पैरेलल में। वहां वोल्टेज ड्रॉप था, वोल्टेज सीरीज में ड्रॉप होता है, तो वहां इंटरनल को मैंने सीरीज में लगाया। करंट ड्रॉप पैरेलल में होता है, तो यहां उसको मैंने पैरेलल में लगाया। तो ये हो गया करंट। तो होगा क्या, अगेन यहां देखते हैं, जो IL आपको मिलेगी, मिल रही है, इट इज लेस देन IS, या IS से क्या होगी, छोटी होगी। क्यों छोटी होगी, बिकॉज इसका कुछ पोर्शन कहां जा रहा है, IN के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। आइडियल में सेम था बट कम जा रहा है। तो अब ये बोल सकते हो यहां पे IL इक्वल टू कितनी होगी, IL इक्वल टू होगी
आई एस माइनस आई इन। ये आई इन शब्द यहां पे क्या बता रहा है आपको? इंटरनल करंट ड्रॉ, इंटरनल करंट ड्रॉप। तो ये हो गया इंटरनल करंट ड्रॉप, ठीक है। वहां वोल्टेज ड्रॉप था, यहां करंट ड्रॉप होता है। अच्छा, हम इस इंटरनल करंट ड्रॉप की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखते हैं। यहां वोल्टेज वी, इस वोल्टेज को मैं वी मान लेता हूं, यहां वोल्टेज वी है, ठीक है। ये वोल्टेज, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल में, है ना, और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है सेम। तो जो वोल्टेज यहां होगी वही वोल्टेज इसमें भी होगी, ठीक है। तो यहां भी वोल्टेज वी होगी। यहां करंट कितनी है आई इन, और रेजिस्टेंस कितना है आर इन। ओम्स लॉ क्या बोलता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो ये आई इन कितनी होगी, वोल्टेज वी अपॉन आर इन। तो जो इंटरनल करंट है इसको, इसको मैं और बड़े तरीके से लिख सकता हूं, आई एस माइनस वी अपॉन आर। ये मैंने इसलिए किया, जैसा कि मैंने वहां किया था, वहां मैंने वोल्टेज और करंट में रिलेशन निकाला था, उसी तरह मुझे यहां पे वोल्टेज और करंट में भी रिलेशन निकालना था, इसलिए मुझे इक्वेशन को वोल्टेज टर्म में लाना था, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई करंट सोर्स की, जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन हमारी ये है, आई एस इक्वल टू आई एस माइनस वी अपॉन आर एन, इंटरनल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करंट सोर्स। मतलब कहने का मतलब क्या है, जितनी करंट ये इनबिल्ट करेगा ये सारी डिलीवर नहीं करता है, कुछ इसके अंदर इंटरनल ड्रॉप हो जाता है, और वो ड्रॉप होने का रीजन कौन है, इसका इंटरनल आर। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दोनों में, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बोलिए, अगर हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बोले या करंट सोर्स बोले, दोनों में क्या होता है, ड्रॉप होता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज का ड्रॉप होता है, और इसमें क्या होता है, करंट सोर्स, करंट का ड्रॉप होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इसकी वी आई करेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि हमने वोल्टेज सोर्स में पढ़ी थी उसी तरह हम इसको यहां पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसकी वी आई कैसे बनाते हैं। तो पहला बनाता हूं मैं वी आई करेक्टरिस्टिक्स, करंट सोर्स की बनाता है यहां पे, ठीक है। पहला मैं बनाता हूं आइडल, पहला बनाता हूं मैं आइडल करंट सोर्स की क्या बनेगी देखते हैं। अच्छा, हमें अब देखना है कि करंट का क्या रिलेशन है वोल्टेज से, इसलिए अब हमने करंट को यहां रखा है, वोल्टेज को यहां रखा है, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज तो भैया कांस्टेंट रहेगी नहीं, बट करंट के लिए बोला गया करंट कांस्टेंट रहती है। देखते हैं कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट में क्या चेंज आएगा, वहां के तक करंट के बढ़ने से वोल्टेज में क्या चेंज आएगा, यहां पे क्या है वोल्टेज के बढ़ने से करंट में, इसलिए हमने इसको इस तरह बनाया गया, ठीक है। तो अगर आइडियल में क्या होता है, आइडियल में अगर देखा जाए, इसको मैं आईएल लिख रहा हूं, कि मैंने आईएल माना है ना, आई लिख रहा हूं, वहां क्या था, आईएल इक्वल टू कितनी थी, आईएस थी, और वो क्या थी, कॉन्स्टेंट थी, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पे भी जो एक लाइन होगी वो हमारी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, और कितनी होगी। तो एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जो हमारी ग्राफ होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट लाइन होती है। सिमिलरली जैसा आइडियल वोल्टेज सोर्स में थी कांस्टेंट थी, यहां भी क्या होती है कांस्टेंट, का मतलब क्या है, वोल्टेज के बढ़ने से, वोल्टेज के बढ़ने से करंट में कोई चेंज नहीं आता है, करंट क्या रहेगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं आएगा। अगर दो ओम लगाओगे तो भी 5 एम्पीयर थी, हम देखा था, और 4 लूंगा तो भी हमारी 5 एम्पीयर थी, ठीक है ना। तो ये आइडियल के केस में ऐसा हो गया। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल में क्या होगा, तो प्रैक्टिकल समझते हैं, प्रैक्टिकल में देखते हैं आईएल और वी। तो क्या था रिलेशन, आईएल इज इक्वल टू आईएस माइनस वी अपॉन आरएन, ठीक है, आईएल इज इक्वल टू आईएस माइनस वी अपॉन आरएन, ठीक है। तो यहां क्या देखो, अगर वोल्टेज जीरो है, देखो अगर वोल्टेज क्या है हमारी जीरो है, वोल्टेज जीरो का मतलब होता है नियरली शॉर्ट सर्किट, इसको मैं बताऊंगा आगे, वोल्टेज का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ अगर शॉर्ट जाती है तो उसके बाद वोल्टेज क्या हो जाती है, जीरो। अगर वोल्टेज जीरो है तो आईएल इक्वल टू कितनी हो जाएगी, आईएस हो जाएगी। इस पॉइंट में वोल्टेज जीरो है तो आईएल इक्वल टू कितनी हो जाएगी, आईएस हो जाएगी। इसके बाद अगर जो जो वोल्टेज बढ़ेगी, जो जो वोल्टेज इंक्रीज होगी, वोल्टेज बढ़ेगी तो ये करंट क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब क्या, वोल्टेज के बढ़ने से यहां पर करंट क्या हो जाती है, घटनी शुरू हो जाती है। अगर देखा जाए होना तो कांस्टेंट चाहिए था, होना ऐसा चाहिए था, बट होता क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म में क्या होता है,
वोल्टेज के बढ़ने से करंट क्या होती है, घटनी शुरू हो जाती है। तो ये सेम वही है जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में करंट के बढ़ने से वोल्टेज घटती है, उसी तरह प्रैक्टिकल करंट सोर्स में वोल्टेज के बढ़ने से करंट क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर हम इसका स्लोप निकाले, स्लोप निकाले ऐसे लेके y = ms + c करके, ये जैसा कि हमने उसमें किया था, तो जो उसका स्लोप आएगा वो स्लोप आएगा m = -1/rn ये इसका स्लोप हो गया। और वहीं अगर हम यहां इसका स्लोप निकालें, ये इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये हो गई वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रैक्टिकल करंट, सॉरी करंट सोर्स। ये आइडियल के लिए हो गई और ये किसकी हो गई, प्रैक्टिकल होगी। ये करेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो एक तो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं कि ये करेंट किसकी है, और सेकंड क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमें वैल्यूज गिवन होगी और उसको हम उसे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में पढ़ा, ये क्या होते हैं, आइडियल क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है, ठीक है ना, इनके बीआई से पढ़ी। अब एक थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं एग्जाम, मतलब इनके इसमें आपस में, तो एक थोड़ा सा ये समरी टाइप की हो जाएगी, तो समझते हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं हल्का सा चार्ट टाइप का बना रहा हूँ यहाँ पर, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स हो गया, ये हो गया आइडियल और ये हो गया प्रैक्टिकल। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या है, हमारे साथ डायग्राम देख रहे हैं, सिंपली एमएफ था और ये हमारा लोड था, आरएल था, जो कि हमारा टर्मिनल वोल्टेज थी वो ई के बराबर थी और क्या थी, कांस्टेंट थी, और जो आई थी वो हमारी वेरिएबल थी, वेरिएबल मतलब कांस्टेंट नहीं थी, लोड पे डिपेंड हो रही थी। वहीं अगर हम करंट सोर्स की बात करें, करंट सोर्स में क्या था, करंट सोर्स में क्या था कि करंट जो थी आपकी वो कांस्टेंट थी और जो वोल्टेज आपको मिल रही थी यहां यहां पे इसके क्रॉस वो क्या थी, वेरिएबल थी, लोड पे डिपेंड हो रही थी। जब हमने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देखा था उसका इंटरनल आर था और वहां जो आपको वोल्टेज मिल रही थी वो ई से कम थी, यहां जो वोल्टेज थी ई के बराबर थी, यहां जो थी वोल्टेज ई से कम थी और वी इक्वल टू था ई माइनस आई इंटू आर। सिमिलरली प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या क्या था, इंटरनल आर था उसका और यहां पर हमारा लोड था, और यहां जो IL थी, जो लोड करंट थी, लोड करंट जो थी वो सोर्स करंट से क्या थी, स्मॉल थी, और यहां पे जो लोड करंट थी वो सोर्स करंट के बराबर थी, और जो लोड करंट थी इक्वल थी IL इक्वल टू IS माइनस V अपॉन R। ठीक है, अच्छा अब ये तो ये था हमारे पास आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल सॉरी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अच्छा आप एक चीज देखते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल आर है बट वही इंटरनल आर यहां पे नहीं है, ठीक है, वो शॉर्ट है। तो आप बोलोगे एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल आर इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, देखो अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस जीरो है तो हम उसको बोलते हैं शॉर्ट, उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, लाइक अ शॉर्ट सर्किट। और अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस इंफिनिटी है तो हम उसको ट्रीट क्या करते हैं, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। रेजिस्टेंस जीरो है तो शॉर्ट सर्किट, रेजिस्टेंस इंफिनिटी है तो ओपन सर्किट। ठीक है, तो देखते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल आर कितना होता है, जीरो होता है।
अब जब हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बनाएंगे तो आइडियल को देख के बनाएंगे, तो आइडियल में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो जब हम प्रैक्टिकल बनाएंगे तो हम ऐसा बनाएंगे कि इसका इंटरनल आर क्या हो, वेरी स्मॉल हो, बहुत छोटा होना चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल आर बहुत स्मॉल होना चाहिए, और वो होता भी है। इसका रीजन क्या है कि इंटरनल ड्रॉप बहुत कम होता है, इंटरनल ड्रॉप को कम करने के लिए हम इसका इंटरनल आर को बहुत छोटा बनाते हैं। हमें अगर एग्जाम में मोस्टली नहीं गिवन होता है तो हम इसको जीरो ट्रीट जीरो मान लेते हैं, बट अगर एग्जाम में गिवन है तो हम उसको ले लेते हैं। उसी तरह अगर हम करंट सोर्स की बात करें, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स का जो इंटरनल आर होता है, देखो ये ओपन है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पैरेलल में है इंटरनल आर, तो यहाँ ओपन है। ओपन मतलब इसका इंटरनल आर कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ओपन होता है, ठीक है, क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अगर मैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनाऊंगा तो आइडियल को देख के बनाऊंगा, तो आइडियल का इंटरनल आर इन्फिनिटी है, बहुत ज्यादा है। तो मैं यहां जब प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनाऊंगा तो मैं इस तरह बनाऊंगा कि जो उसका इंटरनल आर हो ये बहुत ज्यादा हो, इट शुड बी वेरी लार्ज। और सही भी है, जितना ज्यादा होगा उतना इंटरनल में करंट कम जाएगी, उतना करंट लोड में ज्यादा जाएगी, इसका ज्यादा हिस्सा इसमें जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं ये 10 एम्पेयर है, तो अगर इंटरनल आर बहुत ज्यादा है तो यहां जाएगी 9.5 और यहां जाएगी 0.5, और इंटरनल आर जितना ज्यादा होगा इंटरनल करंट उतनी कम हो जाएगी, यहां जाने वाली करंट उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर आपको प्रैक्टिकल करंट सोर्स में इंटरनल करंट ड्रॉप को कम करना है तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा बनाना होगा, और वहीं अगर हमें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल ड्रॉप को कम करना है तो इंटरनल आर को हमें बहुत ज्यादा बनाना, बहुत छोटा बनाना होगा। हमें एग्जाम्स में मोस्टली ये नहीं गिवन होते हैं, अगर गिवन होंगे तो हम उसको लेंगे, नहीं गिवन होते बिकॉज 90% जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये हमें मेंशन नहीं होते हैं, तो हम इनको जीरो मान लेते हैं। तो हम बोलते हैं वोल्टेज सोर्स का इंटरनल आर कितना मानते हैं, हम जीरो बोल लेते हैं, और हम बोलते हैं करंट सोर्स का इंटरनल आर कितना होता है, इन्फिनिट होता है, बट प्रैक्टिकली वो ये जीरो नहीं होता, ये इन्फिनिटी नहीं होता, कुछ ना कुछ होते हैं। ज्यादा होंगे, मान लो ये होगा 0.1 ओम तो ये होगा 1000 ओम के आसपास होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये था वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का रिलेशन हो गया, ठीक है। तो आप इसको कर लो, नोट कर लो, ठीक है, और एक ओवरव्यू हो गया इसका कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो फ्रेंड आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।